दोस्तों नमस्कार। आज बात बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा की, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। और उनका जन्म सितंबर 1900 में, जी हाँ, सितंबर 1900 में देवघर में हुआ था। वो देवघर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है, तो उस देवघर में उनका जन्म होता है सन 1900 में। और वहाँ से वो आगे पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता की ओर जाते हैं, और अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद 18 से 20 साल की जब उनकी उम्र होती है, तो उस समय एक देश में एक अजब सी ज्वाला उत्पन्न हुई रहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे कि आप जानते हैं 1914 से जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद में 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो उस समय उनकी उम्र लगभग 19 साल है। तो एक उस उम्र में उस बच्चे के मानसिक स्थिति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, ये आप समझिए। क्योंकि आज भी जब हम लोग उस दिन को, उस कहानी को जब याद करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ कि जो भी रहेगा, जहाँ भी रहेगा, वहाँ से अपना कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी आदमी सहयोग नहीं देगा। और ये इतना लोकप्रिय आंदोलन हुआ, जन जन के द्वारा इस आंदोलन में भाग लिया गया अपने अपने अनुसार, और इस तरह से ये बहुत ही 1857 के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन माना जाएगा जो कि जिसमें जनता की भागीदारी उस हद तक थी कि अंग्रेजों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसके बाद 1920 में इस आंदोलन की शुरुआत होती है, और 1922 में एक चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड, वहीं चौरी चौरा जो आपको गोरखपुर और बनारस के बीच में आज भी चौरी चौरा स्टेशन मिलता है, उसी चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा जाकर के थाने में आग लगा दिया जाता है। और थाने में आग लगाने के बाद में लगभग 20 से 22 पुलिस अधिकारी जो थे, कांस्टेबल और दरोगा मिलकर के, उनको 22 लोगों को जला दिया जाता है। इस बात से महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, वो बहुत आहत हो जाते हैं। आहत होने के बाद वो घोषणा करते हैं 1922 में कि हम इस असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, हम असहयोग आंदोलन अब नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, गांधी जी ने वापस लिया, तो ठीक है, उनके जो लोग थे वो लोग माने। लेकिन कुछ ऐसा भी समूह था जो इसके खिलाफ में था, तो बगावती कांग्रेस का एक नया गुट बना जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। और ये स्वराज पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे, वो मोतीलाल नेहरू थे, चितरंजन दास जैसे बड़े बड़े नेता उसके सदस्य बने। 1923 में उसके स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, जो कि ये हुआ कि इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, क्यों उस आंदोलन को गांधी जी ने विड्रॉ किया। और इस तरह से 1923 में विनोदानंद झा स्वराज पार्टी के से अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं। वो स्वराज पार्टी का उम्र ज़्यादा नहीं रहा, वो स्वराज पार्टी 1935 में फिर कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। इस बात को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इनके ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ही अहम रही हैं, एक तो पार्टियों का विलय, और दूसरा एक दुर्घटना घटना जो भी हो हम बात करेंगे। तो पार्टी का विलय 1935 ईस्वी में, स्वराज पार्टी का विलय फिर से कांग्रेस पार्टी में हो जाता है। और 1936-37 में जो बिहार के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में ये संसदीय सचिव के हैसियत से इनको दो विभाग मिली थी, अनुग्रह नारायण सिंह जी के नेतृत्व में ये काम करते थे।
और उसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। जो जिला बोर्ड के जिला बोर्ड का जो चुनाव हुआ उसमें इनकी अहम भूमिका रही, जिला बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के। और उसके बाद में स्वराज पार्टी के बाद, मतलब असहयोग आंदोलन के ख़त्म होने के बाद और स्वराज पार्टी के गठन के बाद में जितने भी तरह के आंदोलन शुरू किए गए उन सभी आंदोलन में पंडित विनोदानंद झा जी का बहुत अहम रोल रहा। लेकिन वो उतने लेवल पे नहीं रहा, वो मुख्यतः वो संथाल प्रागना के नेता के रूप में उभरे। अब आप सोचेंगे संथाल प्रागना क्या है? तो संथाल एक जाति होती है आदिवासियों की, जो कि आज भी पाई जाती, आज भी वो लोग रहते हैं यहाँ पे झारखंड में, और इनका जन्म खुद देवघर में हुआ था। तो 6 डिस्ट्रिक्ट आज भी जो है वो संथाल के नाम, वहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। और प्रागना का मतलब होता है समूह, राज्य। तो संथाल जाति के जो भी सदस्यों की संख्या जहाँ पे बहुतायत थी, उन जैसे कि गोड्डा हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, जामतारा हो गया, साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, इन सब जिलों में इनकी बहुत लोकप्रियता रही और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद सभी आंदोलन में इन्होंने काम किया, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे नमक आंदोलन हो, या स्वराज पार्टी के साथ में जो भी कांग्रेस के खिलाफत किए गए आंदोलन हो, इस हर पार्टी में उन्होंने अपनी अहम योगदान निभाई और बहुत ही अच्छा काम उस क्षेत्र के लिए इन्होंने किया भी। फिर उसके बाद ये आगे चलते हैं, जब 1961 में जब कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद दीप नारायण सिंह जी 18 दिन का मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद में इनको कार्यभार दिया जाता है 1961 में श्री कृष्ण सिंह जी के मृत्यु के बाद। लेकिन होता है क्या कि 1961 के बाद में 1962 में चुनाव होता है और उस समय चाइना का युद्ध भी हुआ। अब क्या हुआ कि चाइना का युद्ध हुआ और 62 में चुनाव हुआ, उसके बाद में कांग्रेस का एक अहम धड़ा जो था वो इस बात को लेकर के था कि कांग्रेस का ग्राफ 1962 के चुनाव में गिरने लगा और बाकी जो भी छोटी छोटी कुछ दलें थीं वो आगे बढ़ने लगी। उन्हीं दलों में से जैसे आप मान लो सोशलिस्ट पार्टी हो गया, झारखंड पार्टी हो गया, कम्युनिस्टों का हो गया या अन्य पार्टियां, उनका कार्यभार आगे बढ़ता गया। और कार्यभार आगे बढ़ने के चलते अब ये हुआ कि नहीं, कांग्रेस को फिर से कैसे खड़ा किया जाए, और कांग्रेस यहाँ से विघटित होने का कार्य शुरू होता है। तो कांग्रेस को खड़ा करने के लिए ये कामराज जो मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु को, उनको दिया गया कि आप अनुशंसा कीजिए, आप एक रिपोर्ट बनाइए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए। कामराज कमीशन का जो रिपोर्ट आया उसमें ये हुआ कि मुख्य रूप से ये लोग जो हैं, जो जिनकी उम्र लगभग 60 से ज़्यादा हो गई है, वो अब छोड़ दें और नया नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि जो भी नया नेतृत्व आ रहा है वो दूसरे पार्टियों की ओर जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस में थोड़ा सा गिरावट आई है। इसके चलते क्या हुआ, इसी क्रम में उनको 1963 ईस्वी में फिर से रिजाइन दे करना पड़ता है बिहार के चीफ मिनिस्टर के कुर्सी से, और उसके बाद वो फिर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो चल देते हैं। तो इस तरह से वो वहाँ से 1963 में अपना रिजाइन कर देते हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा काम करके गए कि जिसके चलते ये हुआ कि झारखंड और बिहार इतने लंबे समयों तक एक साथ रहा, क्योंकि जो 1950 में झारखंड पार्टी का गठन हुआ था उसकी 1962 के चुनाव में लगभग 20 सीटें भी आई थी, लेकिन उस पार्टी को उन्होंने 1963 में विलय करा दिया। तो देखिए, स्वराज पार्टी में काम किए 1935 में उसका विलय होता है, झारखंड पार्टी के साथ वो काम किए, झारखंड पार्टी का 1963 में विलय कराते हैं और फिर से उनको रिजाइन कर देते हैं, और इसके चलते झारखंड का जो आंदोलन था वो थोड़ा सा धीरा पड़ गया। उसके बाद में तो कामराज कमीशन के तहत इनको रिजाइन करना पड़ा, और रिजाइन कर करके ये अपना कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने लगे। फिर 1972 में इनको चुनाव लड़ाया गया दरभंगा से, और ये जीते भी। भारत की जो अभी की लोकसभा है, 5वीं लोकसभा की, इस दरभंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सदस्य भी रहे, और सदस्य रहने के बाद लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है 1971 ईस्वी में चुनाव होता है, जीतते हैं और फिर उनकी मृत्यु होती है। फिर वहाँ से दूसरे 1972 के चुनाव में ललित नारायण मिश्र जी चुनाव जीतते हैं, और इस तरह से एक बार दोबारा उनकी जिंदगी में ये कहानी आया कि 1961 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो कृष्ण सिंह के मृत्यु के बाद बने, और 1971 में जब वो सांसद बने दरभंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वहाँ पर भी उनको उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो दो चीज़ें उनके जीवन में बहुत अहम रही, एक विलय और एक आकस्मिक दुर्घटना। तो इस तरह से ये आगे चल करके ग्राम स्वराज के लिए, लोक सेवा के लिए और सरकार की योजनाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इनके जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, कुछ फिर से कभी चर्चा करेंगे। तो इनके लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि जो सबको लेकर चलने का विश्वास दिलाता चला गया, कदम कदम से मातृभूमि का प्रेम बढ़ाता चला गया, मानव नहीं महामानव था, प्रेम का संगीत सिखाता चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।